हर हर महादेव। देखिए आदित्य ठाकुर जी हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। ये एक बड़ा विचित्र प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कई लोगों का भाव हो जाता है। देखिए, सादर प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मेरा द्विज संस्कार नहीं हुआ, क्षत्रिय हैं, पर मैंने मनुस्मृति पढ़ी थी तो उसमें बहुत ही कठिन नियम थे द्विज के लिए, जैसे शूद्र के घर न खाना खाना आदि। और ये भी बात है कि द्विज संस्कार न किए गए तो तब तक सभी शूद्र होते हैं, तो अगर मैं द्विज न बनूं और सब जगह खाना खाता रहूं तो पाप नहीं लगेगा क्या, या कम लगेगा? तो बतलाइए क्या करूं, क्योंकि मेरे समाज में यहां अब कोई द्विज संस्कार नहीं कराता, द्विज का मतलब यज्ञोपवीत नहीं कराता। तो अगर मैं द्विज संस्कार लेके ऐसे नियम पालन करूं तो मुझे समाज ही छोड़ना पड़ जाएगा, विस्तार में बताने की कृपा करें। देखिए ये कह रहे हैं कि मैं उपनयन ही नहीं कराऊं, लिखा हुआ है कि जो उपनयन है, उपनयनधारी है, यज्ञोपवीत हैं, द्विज हैं, उनको शूद्र आदि के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, आशौच में भोजन नहीं करना चाहिए, स्पर्श स्पर्श का विचार है, खान पान का विचार है। तो मैं जो हमारे यहाँ इसीलिए लोगों ने छोड़ दिया, कोई भी उपनयन नहीं करा रहा, यज्ञोपवीत नहीं करा रहा, क्या मैं भी उपनयन नहीं कराऊं? क्योंकि उपनयन करा लूंगा तो फिर वहां भोजन नहीं कर सकता, करूंगा तो पाप लगेगा, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं। देखिए ये इनका प्रश्न है, इसका समाधान ये है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ये चाह रहे हैं। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है वो अपराधी है। माता पिता भूखे हैं तो उनको भोजन नहीं देता, उनकी बात नहीं मानता है, ऐसा ऐसा नहीं करता है, तो वो अपराधी है। तो मुझे अपने माता पिता की बात माननी नहीं है तो माता पिता को ही मार देते हैं, क्या माता पिता रहेंगे? लिखा हुआ माता पिता की बात नहीं मानेगा तो अपराध है, तो माता पिता को ही नहीं रहने देते, कुएं में डाल देते हैं, नदी में पटक देते हैं, जला देते हैं जिंदा ही, तो क्या ठीक रहेगा? तो हमें फिर तो माता पिता की बात न मानने का अपराध तो नहीं लगेगा ना, बात ठीक है ना? ये इसी प्रकार ये प्रश्न है। अरे भाइयों देखिए लिखा हुआ है मनुष्य मात्र के तो धर्म है कुछ, झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचार का पालन करना, माता पिता गुरु आदि की सेवा करना, पापाचरण नहीं करना, ये तो मानव मात्र के कर्तव्य है ना। जीव मात्र का सहयोग करना, पर हित की भी बात में रखना, यहां तक कीट पतंग इत्यादि का भी जो है हिंसा न करके उनका हित करना, ये तो मानव मात्र के धर्म है। क्या आप मानव मात्र के जो धर्म है, जो कर्म है, उनको कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से? अगर मानव मात्र के जो धर्म है वो नहीं कर पा रहे हैं तो मानव शरीर आपने धारण किया हुआ है कि हटा दिया है ना? जितने हो रहे हैं उतने हो रहे हैं, आगे करने का प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए, करें। अरे भाई माता पिता को जीवित रहने दो, जितनी बात मानो उतनी मानना, तो सबसे पहले तो कर्तव्य है कि उनको वो जैसा करें वैसा रहने दें, उनको उनको नहीं छेड़ें। आपकी स्थिति है, मनस्थिति परिस्थिति जैसी भी है, उसके अनुसार आप में जितनी सेवा बनती, जितना कार्य बनता है उतना करें, कम से कम उनके प्रतिकूल तो न करें, उनको कोई अपराध तो न करें। तो ठीक इसी प्रकार है, पहले आप उपनयन तो कराएं, जिसका कर्तव्य है उसे तो होने दें, वो कार्य तो होने दें, उसके बाद अब आपको जितना नियम पालन करना उतना करें, जितना कर सकते उतना करें, ये बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और समाज आजकल वो कोई समाज नहीं है, वो समझ है। समझ माने होता है पशुओं का समूह, और समाज माने होता है मनुष्यों का जो है सदाचारियों का समूह, ये संस्कृत का अर्थ है। तो आजकल कोई समाज नहीं है, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्म, वे धर्म को जानते ही नहीं है, क्या कहेंगे? तो लोग हम उपनयन करा लेंगे, देखिए इनकी विडंबना,
ये कह रहे हैं कि हमारा समाज ऐसा हो गया है कि हम यदि उपनयन करा लेंगे, यदि धर्माचरण करेंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे। देखो होना तो ये चाहिए कि जो पापाचार करे, जो दुराचार हो, पापाचारी दुराचारी भ्रष्टाचारी जो है उसको समाज अपने से पृथक करे, निकाले। लेकिन आज की विडंबना क्या है कि जो सदाचारी सज्जन हैं उनको ही ये दुरात्मा दुष्टात्माओं का बना हुआ समझ समाज जिसको कहते हैं वो समूह, दुष्टों का समूह, दसियों का समूह, अशास्त्रीय कृत्य कर्मों करने वालों के जो समूह ग्रुप बने हुए हैं, वे धर्माचरण करने वालों का उपहास करते हैं, ये दृष्टि से देखते हैं और उनको बाहर निकालते हैं कि भाई ये हमारे जो है से बाहर जा रहा है। क्योंकि अगर किसी की पूरे समाज की नाक कटी हो, ध्यान देना, सभी की नाक कटी है, सभी ने नाक कटवा ली है अपनी, और उसमें कोई एक नाक वाला आ गया जिसकी नाक है उसकी कटी नहीं है तो लोग उसको नक्का कहेंगे, अरे नाक वाला उसको चिढ़ाएंगे, तो उसे भी लगे कि चलो अपने भी कटवा लो, क्या है लो पास हो रहा है, तो क्या नाक कटवा ली लेनी चाहिए? ये प्रश्न में ही उत्तर है। अरे भाई वो तो सब नकटे हैं, उनको देख करके थोड़ी अपनी नाक कटवानी है, हम तो भाई हमको तुम उपास क्या करोगे, उपास के तो खुद ही पात्र हो, देख करके ही लोग हंसेंगे तुमको तो। पर ऐसा है, ऐसा समाज बन गया है कि वो सब समाज नकटों का है और एक कोई नाक वाला जाता है तो उसको देख करके लोग हंसते हैं, पर वो नाक वाले को धैर्य धारण करना है, जबकि उपास है ना हास्यास्पद तो वे ही है। इस तरीके से उनसे न डरें, आप शास्त्रीय कृत्य करें और अपने धीरे 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 और शास्त्रीय कृत्यों को करें, माने पालन करें, धीरे धीरे ये सब संभव हो जाता। प्रकृति समय निकाल देती है और प्रकृति उसको अपने गोद में बिठाती है, उसे जगह देती है। ऐसा नहीं है कि वो जो है सो प्रकृति उसका हे कर दे, अरे प्रकृति उसी की रक्षा करेगी जो उसका जो है पुत्र होगा। ये समाज एक प्रकृति है, ये सब वातावरण प्रकृति है, वो जो प्रकृति का ही पुत्र होगा, प्रकृति की रक्षा करने वाला होगा, वो प्रकृति उसको अपने गोद में बिठाएगी, उसको जगह देगी, स्थान देगी। और ये इन लोगों को प्रपीड़ित दंडित करेगी, इसलिए आप अपना उपनयन कराएं, विधिवत कराएं और उसका पालन जितना धर्म कार्यम यतन शक्त्या, है ना, धर्म कार्य अपने अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करिए और धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, बढ़ता जाएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा और बढ़ता रहेगा। इसको कोई ऐसा नहीं है कि जो उस वृक्ष को ही तोड़ दो, उस वृक्ष को बढ़ाइए, लगाइए, बढ़ाइए, धीरे धीरे वो अपनी शाखा स्वयं फैलाएगा और स्वयं फल देगा, तब आपको आनंदित होगा, है ना। तो इस दृष्टि से और समाज के लोगों को भी आप अग्रसर करिए, अपने निकटवर्ती भाई पुत्र और भी जो लोग हों आपके इष्ट मित्र, उनको भी अग्रसर करिए, उनको बतलाइए, समझाइए। जब आप करेंगे तो फिर वे भी लोग मानेंगे, जानेंगे, करेंगे। इस दृष्टि से किसी को भी और सभी लोगों के लिए यही बात है कि समाज से जो है नहीं डरना है। डरना किससे है? अधर्म से। किससे डरा जाता है संसार में? किसी व्यक्ति से नहीं डरा जाता। अरे भाई पुलिस से डर रहे क्यों? क्या कोई अपराध किया है? किसी व्यक्ति से, किसी से क्या डरना? हमने अपने विद्यार्थियों को पूछा भाई किससे डरना चाहिए, कोई कहता भाई भगवान से डरते हैं हम तो, कोई इसे माता पिता, अरे भाई ये तो रक्षा करने वाले हैं, इनसे डरा जाता है, इनकी तो गोद में बैठा जाता है। डरना चाहिए पापाचार से, पापियों से, पापाचार से डरना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, अधर्म से डरना चाहिए कि हमसे कोई अधर्म ना हो जाए। धर्म से थोड़ी डरना चाहिए, वो तो आपका पिता है, आपका संरक्षक है, आपका कल्याण करने वाला है, स्वयं ईश्वर है, आपको जन्मदान देने वाला है, आपका जीवन है, उससे क्या डरना है? इसलिए धर्माचार करिए, है ना। अगर स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, गीता में कहा गया छोटा सा भी धर्म कार्य महान से महान जो दुख को, दारुण दारुण दुख को, पाप को जलाने में समर्थ होता है। छोटी सी अग्नि और महान विशाल ईंधन को जला करके ध्वस्त कर देती है, एक चिंगारी भी पूरे वन को, गांव को, नगर को जला देती है। इसी प्रकार वो छोटा सा भी शास्त्रीय विधिवत मर्यादा पूर्ण श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक जो धर्माचरण किया जाएगा वो महतो भयात्रायते,
महान से महान भय से महान कष्ट से महान पाप से आपको बचा लेगा। इसलिए बिना डरे हुए किसी भी प्रकार आप अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपना धर्माचरण अवश्य करें। हर हर महादेव।